हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। और आज से हम शुरू करेंगे स्ट्रेस एलिमिनेशन टेक्निक्स। अभी तक हमने फाउंडेशन बना लिया, दैट व्हाट इज़ द राइट फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस। एंड अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हम टेक्निक्स को अप्लाई करना सीखें। आज के इस वीडियो में मैं आपसे पहली टेक्निक की बात करूँगा जिसे मैं कहता हूँ स्ट्रेस एलिमिनेशन विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन जैसे ही आप फिनिश करेंगे, आप देखेंगे कि रेजुविनेशन आपको महसूस होगा, रिस्टोरेशन आपको महसूस होगा और आपका पूरा बॉडी रिलैक्स्ड होगा और हाई इन कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे। ये विजुअलाइजेशन शुरू कराने से पहले एक इनसाइट आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। कई रिसर्च अब ये बताने लगे हैं कि स्ट्रेस से ज़्यादा खतरनाक होता है आपका बिलीफ स्ट्रेस में क्या है। अगर आप ये मानते हो कि स्ट्रेस एक बुरी चीज़ है हमारे लिए, तो कई बार स्ट्रेस एक्चुअली बुरा बन जाता है। और अगर आप ये मानने लगते हो कि स्ट्रेस मेरे लिए बुरी नहीं है और इनफैक्ट स्ट्रेस मुझे एक्टिवेट रखता है या फिर मुझे ट्रिगर करता है कुछ अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो लोगों में देखा गया है कि उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स बंद होने लगता है और एलिमिनेट होने लगता है। तो एक कहानी से आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि एक बार एक फार्मर था एंड ही वॉज़ वेरी गुड इन फार्मिंग। बहुत ही अमेजिंग वो फार्मिंग में था और वो मक्के उगाया करता था और बहुत ही अच्छे मक्के वो उगाता। लेकिन कई बार बिना टाइम के बरसात हो जाना, हवा चलना, कभी धूप ना आना और इंसेक्ट्स ज़्यादा हो जाना, इन सब चीज़ों की वजह से कई बार ऐसा होता था कि फार्मर को ऐसा लगता था कि ये भगवान अगर मुझे ही जिम्मेदारी दे दें, अगर ये सनलाइट और विंड इन सब का कंट्रोल अगर मेरे पास ही आ जाए तो मैं बहुत अच्छी खेती कर सकता हूँ। भगवान को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना मुझे एक्सपीरियंस है। तो वो ऐसी कुछ इच्छा जताता है अपने अंदर कि ये जो भी भगवान या इंद्र देवता जो भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं, बरसात को, विंड को, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको जो भी कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल अगर मेरे पास आ जाए तो फिर देखो मैं क्या फसल उगाता हूँ। तो वो भगवान से जब विनती करता है तो भगवान शायद मूड में होते हैं तो वो सुन लेते हैं और उसको कह देते हैं कि चल ठीक है, इस बार तेरे को पावर दी, यू कैन कंट्रोल सनलाइट, विंड, इंसेक्ट, फर्टिलाइजर्स, यू कैन कंट्रोल देम एंड अब तू पूरा अपनी मर्जी से फसल उगा। तो किसान बहुत खुश हो जाता है कि अब तो बहुत ही अच्छी फसल उगेगी क्योंकि भगवान तो एक्सपीरियंस थे नहीं, मुझे इतना एक्सपीरियंस दे और इन चीज़ों का कंट्रोल अब मुझे मिल चुका है तो मैं बहुत अच्छी फसल उगाऊंगा। अब उसने जैसा रेगुलर अपनी फसल उगाने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में वो लग जाता है, खेत जोतता है, उसमें बीज बोता है और थोड़े से भी अगर बादल आने लगे तो अपनी पावर से बादल हटा करके सनलाइट सामने ले आता है, इंसेक्ट्स अगर आने लगते हैं तो उन इंसेक्ट्स को अपनी पावर से कंट्रोल करके बाहर फेंक देता है, अपनी मर्जी से बरसात करवाता है। और एक दिन विंड चल रही होती है ज़ोर से नेचुरल, तो उस विंड को वो रोक देता है कि ये विंड चलती है, मेरे कुछ फूल पत्ते गिर जाते हैं नीचे और अननेसेसरी जो क्रॉप है उसको हिलना डुलना पड़ता है। और उस चीज़ से बचाने के लिए वो विंड को रोक देता है। फसल बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ही मोटे मक्के वो उत्पादन कर पाता है, लेकिन वो देखता है कि जो मोटे मक्के के भुट्टे जो बनते हैं वो तो बड़े हैं लेकिन अंदर से जो मक्के आए वो सब खोखले हैं, एम्प्टी हैं, अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है। तो बाहर से तो बड़े लग रहे हैं लेकिन अंदर सब कुछ एम्प्टी है। अब उसे समझ नहीं आया कि उसने तो सब चीज़ों का ध्यान रखा था, प्रॉपर सनलाइट थी, प्रॉपर पानी दिया था, फर्टिलाइजर, इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल किया, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मक्का अंदर से एम्प्टी क्यों निकला, बाहर से तो इतना बढ़िया है। उसे समझ नहीं आया, उसे लगा भगवान ने उसके साथ में चीटिंग की है, उसको मजा चखाने के लिए उन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। तो वो भगवान से बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने हर चीज़ का ख्याल रखा था लेकिन फिर भी मेरी फसल खोखली और एम्प्टी क्यों निकली। तो भगवान कहते हैं कि देख, मैंने सारा कंट्रोल तेरे हाथ में दिया था, मैंने बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया है, लेकिन तूने गलती ये करी कि जो विंड चलती है तूने उस हवा को रोक दिया। तो बोले हवा को रोकने से क्या होता है, उससे तो मैंने अपनी फसलों को आराम ही दिया एक तरीके से। तो भगवान कहते हैं कि जब हवा चलती है बहुत तेज, तो जब तेज हवा चलती है तो पेड़ों के जो प्लांट आप पौधे उगाते हो उनके उखड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं।
तो उससे उखड़े ना, इसके लिए उनकी जो रूट्स हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए रूट्स और ज़्यादा डीप सॉइल में जाती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा न्यूट्रिशन को, ज़्यादा वाटर को एक्सट्रैक्ट कर पाती हैं। तूने वो हवा रोक के उनको वो प्रेशर नहीं दिया, उनको उस स्ट्रेस से निकाल दिया, जिसकी वजह से उनकी रूट्स ज़्यादा डीप नहीं गई और खोखले मक्के पैदा हुए। दोस्तों सेम हमारी लाइफ में भी होता है, कई बार हमारी लाइफ में बिना प्लान किया हुआ स्ट्रेस जिंदगी में आता है, लेकिन कई बार वो जो एक्यूट स्ट्रेस हमारे जीवन में आया, वो स्ट्रेस कई बार बहुत अच्छा होता है, वो प्रेशर कई बार बहुत अच्छा होता है हमें हमारे जीवन में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। और आज के इस विजुअलाइजेशन में इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम स्ट्रेस एलिमिनेशन विजुअलाइजेशन करेंगे। प्रोसेस ये है कि आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, यू विल सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल आराम से आप बैठ जाएंगे। अगर आप ज़मीन पर बैठते हैं तो आप पद्मासन, सिद्धासन या फिर फोल्डेड लेग्स में बैठेंगे, आप अपनी स्पाइन को सीधी रखेंगे और नेक को स्ट्रेट रखेंगे। अगर आप चेयर पर बैठते हैं तो आप चेयर पर सिंपली अपनी स्पाइन को इरेक्ट करके बैठेंगे और अपने जो पाम्स हैं वो अपनी थाइस पर रखेंगे, इस तरीके से आप बैठेंगे, दिस विल बी योर पोजिशन। तो स्पाइन इरेक्ट, नेक बिल्कुल स्ट्रेट और आपके जो हाथ हैं वो पाम है वो आपकी थाइस पे रहेंगे। यू विल सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, मेरी आवाज़ से जुड़े रहेंगे, वीडियो को ऑन रखेंगे, ऑडियो ऑन रखेंगे, हो सके तो आप हेडफोन पहन लें, जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप हेडफोन पहन के इस विजुअलाइजेशन को करते हैं। 3 या 4 बार इसको गाइडेड विजुअलाइजेशन की फॉर्म में कीजिएगा, उसके बाद में सारी कमांड्स आपको याद हो जाएंगी, फिर आप कहीं पर भी बैठ के इस विजुअलाइजेशन को कर सकते हैं। प्रिकॉशंस ये रखने हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अभी आप इस विजुअलाइजेशन को नहीं करेंगे, और अगर आप किसी टूल या किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो आप अभी इस विजुअलाइजेशन को नहीं करेंगे। इन बातों का ध्यान में रखते हुए अब आप कंफर्टेबली जैसी पोजीशन मैंने बताई, सिद्धासन, पद्मासन या फिर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, या फिर फोल्डेड लेग बैठेंगे, या फिर चेयर पर अपने पाम्स अपनी थाइस पर रख के आप बैठ जाएंगे। नाउ क्लोज योर आइज, अपनी आँखें बंद रखेंगे। Now comfortably close your eyes. I will also do this meditation with you. आँखें बिल्कुल कोमलता से आप बंद कर लेंगे. Be comfortable. Now I want you to inhale deeply. बिल्कुल deeply अपने nostril से inhale कीजिए and very slowly अपने mouth से exhale करेंगे. We will do this 5 times. Inhale very slowly from your nose and exhale from your mouth. While inhaling, imagine कि एक uplifting energy, एक uplifting और एक positive energy आप अपने nostril से inhale कर रहे हैं, और जब आप mouth से exhale कर रहे हैं तो जितने भी toxins हैं, जो toxic energy है, negative energy है, वो आपके mouth से completely बाहर जा रही है। Inhale uplifting energy from your nose. And exhale toxic energy from your mouth. You can give this thing a color. आप uplifting energy को white color दे सकते हैं और toxins को black color दे सकते हैं. And just imagine कि आप अपने nostril से white color का energy breathe कर रहे हैं, deeply inhale कर रहे हैं, और ब्लैक कलर की एनर्जी एयर आप अपने मुंह से बाहर फेंक रहे हैं। वेरी गुड, इनहेल डीपली एंड एक्सेल स्लोली, इनहेल डीपली एंड एक्सेल स्लोली, इनहेल अपलिफ्टिंग एनर्जी एंड एक्सेल टॉक्सिक एनर्जी। Be comfortable. कंधे सीधे रखेंगे, स्पाइन इरेक्ट रहेगी, एंड कीप डूइंग दिस। हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं और जाने की कोशिश करे, हो सकता है दूसरे विचार आपके मन में आने लगे, डोंट वरी अबाउट देम, और फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर देंगे। जब भी आपका मन कहीं और जाने लगे, आपको फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके आना है। डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, डोंट बी स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ,
डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ कि मेरा ध्यान क्यों बार बार भंग होता है. इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर योर माइंड टू वेंडर. तो जब भी ध्यान कहीं जाए, आराम से पूरी ईज के साथ आप अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे. इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली. वेरी गुड. नाउ आई वॉन्ट यू टू ब्रीद नॉर्मली. अब नॉर्मल ब्रीदिंग आप करेंगे, यानी कि अपने नोस्टिल से इनहेल करेंगे और नोस्टिल से ही एक्सहेल करेंगे. एंड यू विल ब्रीद रेगुलरली. वेरी गुड. कंधे सीधे रहेंगे, मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहेंगे. मेरी आवाज़ के साथ में जुड़े रहिए. कंधे सीधे, स्पाइन इरेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल रिलैक्स आपको रखने हैं. रिलैक्स योर फेशियल मसल्स. अपने फोरहेड की मसल्स को कंप्लीटली रिलैक्स रखेंगे. वेरी गुड. एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू इमेजिन एनी विनिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ. कोई भी जीत का और खुशी का पल आप अपनी मेमोरी में से ढूंढ के अपने सामने लाइए. हो सकता है कि बचपन में आपने टॉप किया था, उसका कोई अवार्ड मिला हो. हो सकता है कि आपने कोई क्रिकेट मैच जीता हो. हो सकता है आपको कहीं सम्मानित किया गया हो. हो सकता है कोई बड़ी बिजनेस डील आपने क्रेक की हो. हो सकता है आपको अपना प्यार जीवन में मिला हो. जस्ट फाइंड आउट एनी वन वेरी बिग विनिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ. कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन सीधी रहेगी और मेरे साथ जुड़े रहेंगे. फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे. ध्यान अगर और कहीं जाए तो फिर से मेरी आवाज पे आप ध्यान लेके आएंगे और इस एक्टिविटी को करेंगे. अपनी लाइफ का हैप्पीएस्ट विनिंग मोमेंट अपने सामने ले आए. ये हो सकता है कोई अवार्ड आपने जीता था, कोई बड़ी बिजनेस डील आपने क्रैक की थी, कोई बिजनेस ओपन किया था. हो सकता है जिस दिन आपका बेबी हुआ, हो सकता है जिस दिन आपने कोई नए रिश्ते बनाए, हो सकता है आपका प्रमोशन हुआ, हो सकता है आपने कोई इनकम गोल अचीव किया. आई होप कि आपको वो मोमेंट याद आ चुका है. एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द प्रोसेस दैट यू यूज्ड टू अचीव दैट टारगेट. अगर तो वो अवार्ड आपको मिला था तो उसके लिए जो प्रोसेस आपने की थी, जो स्ट्रगल आपने देखा था, जो मेहनत आपने की थी, या फिर जो प्लानिंग आपने किया था, या फिर जिस पेनफुल प्रोसेस से आप गुजरे थे, उन प्रोसेस के बारे में आपको विजुलाइज करना है. हम ज़्यादातर विनिंग पे इतना फोकस करते हैं कि वर्किंग को भूल जाते हैं. हमेशा ध्यान रखिए दैट विशिंग और विनिंग के बीच में वर्किंग है. हम रिजल्ट पे तो बहुत बार फोकस करते हैं, रिजल्ट पे हम बहुत बार विजुलाइजेशन करते हैं, लेकिन हम प्रोसेस पे या उस स्ट्रगल पे या फिर उस पेनफुल प्रोसेस के थ्रू जो हम गुजरे थे, उसको कई बार भूल जाते हैं. याद कीजिए, वो बिजनेस डील क्रैक करने के लिए आपने कितना मेहनत किया था, कितने प्लानिंग बनाए थे, कितने प्रेजेंटेशंस बनाए थे, कितनी बार शायद अपने प्रोस्पेक्ट से मिले होंगे, कितनी रातें आपने जाग के गुजारी होंगी, तब जाकर के वो रिजल्ट आपको मिला. हम कई बार विनिंग से इतना एसोसिएट हो जाते हैं कि हम वर्किंग को भूल जाते हैं. तो विशिंग और विनिंग के बीच में वर्किंग है. नाउ आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन वर्किंग कि क्या स्ट्रगल आपने किया था, और उस स्ट्रगल को देखते हुए आप अपने आप को शाबाश कहिए, अपने आप को एक प्राउड फीलिंग दीजिए कि आपने वो बिजनेस डील के लिए, या फिर आपने वो टॉप करने के लिए, या फिर वो अवार्ड जीतने के लिए, या फिर अपना प्यार जिंदगी में पाने के लिए, शायद हो सकता है आप अपने मम्मी पापा से झगड़े हों या दुनिया से झगड़े हों, जो मेहनत आपने की, एक बार उस स्ट्रगल पे फोकस कीजिए कि क्या स्ट्रगल आपने देखा था. मैं फिर कहता हूँ, विशिंग और विनिंग के बीच में है वर्किंग. फोकस ऑन दैट वर्किंग. जस्ट इमेजिन कि उस
स्ट्रगल की वजह से ही आप में स्ट्रेंथ डेवलप हुई है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू डोंट सेक्रीफाइस टू अचीव what you want will automatically get sacrificed. I want you to feel proud on yourself. अपने आप पे वो गर्व महसूस कीजिए that you did that work to achieve that happiest moment of your life. मेरी आवाज़ से जुड़े रहेंगे। अगर thoughts कहीं और जा रहे हैं तो फिर से इस मोमेंट में अपनी थॉट्स को लेके आएंगे एंड डीपली इमेजिन करेंगे इस सिचुएशन को। मेरी आवाज के साथ में जुड़े रहिए। कई बार आपके जीवन में जो प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं वो प्रेशर जरूरी है आपको आपके जीवन के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। एक कोल को, एक कोयले को जब ट्रिमेंडस प्रेशर में रखा जाता है तो बहुत लंबे समय के बाद वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। एक कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उस मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले वो उस मिट्टी को बहुत ज़्यादा कूटता है, पीटता है, उसको रोल करता है, सिर्फ इस वजह से ताकि उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए कि उसको जो शेप में देना चाहूँ वो शेप में दे सकूँ। एक मूर्तिकार एक पत्थर को चीजल से और हैमर से ठोक ठोक के तोड़ता है, उसको पेन देता है ताकि उस पत्थर को एक आकार दे सके, उसको एक मूर्ति बना सके। और फिर जब वो मूर्ति बनती है तो कई लोग उसे भगवान के रूप में भी पूछते हैं। एक जिराफ जैसे ही उसका बच्चा पैदा होता है वो ऑलरेडी 4 या 5 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है एक जिराफ मदर जोर से उसको एक लात मारती है और एटलीस्ट 4 से 5 बार वो उसे लात मारती है जब तक कि वो उठ कर के चलने ना लगे। अब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी निर्दयी और कितनी अनकाइंड ये माँ है, लेकिन जिराफ मदर ऐसा करती है क्योंकि उसे पता है कि अगर इसके बच्चे ने जल्दी से दौड़ना और उठना नहीं सीखा तो जब इस पे अटैक होगा तो इसके जान जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वजह से वो उसे इनिशियल प्रेशर से गुजरने देती है ताकि वो लॉन्ग टर्म में अपने आप को मजबूत बना सके। दोस्तों, एक कैटरपिलर अपने कुकून से बाहर निकल रहा था और एक आदमी ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहा है और कुकून को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और उससे नहीं हो रहा, तो वो आदमी गया और उसने जाकर के उसके लिए उस कुकून को ब्रेक कर दिया। वो कुकून तो ब्रेक हो गया लेकिन वो कैटरपिलर कभी उड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके पंखों में जान नहीं बनी। नेचर ही ऐसी है कि जब कैटरपिलर उस कुकून को तोड़ रहा होता है उसको तोड़ने के दौरान उसकी जो पंख हैं उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है ताकि वो उड़ सके, लेकिन उस आदमी ने कुकून तोड़ के वो स्ट्रेंथ ही डेवलप नहीं होने दी। ऑलवेज रिमेंबर पेन इज अ लॉन्च पैड फॉर योर ग्रोथ। एक बड़े लेखक ने ये बात कही है दैट पेन इज लॉन्च पैड ऑफ योर ग्रोथ। वेरी गुड। कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, अपना चेहरा कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। मेक इट कंप्लीटली रिलैक्स। अपनी आईज को रिलैक्स कर दीजिए, अपने फोरहेड को रिलैक्स कर दीजिए। वेरी गुड। नाउ अगेन आई वॉन्ट यू टू इनहेल फ्रॉम योर नोज। अपने नोज से इनहेल कीजिए एक अपलिफ्टिंग वाइट शाइनिंग एनर्जी को, अपलिफ्टिंग एनर्जी को इनहेल कीजिए।
एंड देखिए कि ये अपलिफ्टिंग एनर्जी आपके शरीर के हर एक कण में जा रही है. इट इज़ गोइंग इन टू योर टिश्यूज, इट इज़ गोइंग इन टू योर मसल्स, इट इज़ गोइंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. जस्ट इस अपलिफ्टिंग एनर्जी को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए देखिए. इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल एंड देन रिलीज फ्रॉम योर माउथ. इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ. कंप्लीटली रिलैक्स्ड फोरहेड, completely relaxed eyes. Just enjoy this moment. Your body is getting lighter and lighter. All the toxins are moving away and uplifting positive energy is filling each and every tissue, each and every muscle, each and every cell. This uplifting energy is going in your heart, in your kidneys, in your chest, in your shoulders, in your neck, in your eyes, in your face. Your entire skin is glowing with this uplifting energy. Very good. Now, I want you to breathe normally and just move your fingers. अपने फिंगर्स को थोड़ा सा वाइब्रेट कीजिए. बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग. अपनी सराउंडिंग्स के में अवेयर हो जाइए कि कोई आवाज़ अगर आ रही है, कैसा टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, इसके बारे में अवेयर हो जाइए. अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब करके थोड़ी गर्माहट पैदा कीजिए और अपने दोनों हाथों को धीरे से अपनी आँखों पर रखते हुए very slowly open your eyes. Very slowly open your eyes. Very good. I'm sure अगर आपने मेरी कमांड्स को फॉलो किया है और हर एक कमांड पे एक्शन लिया है तो भी राइट नाउ आप बहुत ही पीसफुल और बहुत ही रिलैक्स्ड अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे. अगर डीपली इसको करेंगे तो हो सकता है कि पहले कभी आपने ऐसा महसूस ना किया हो, ऐसी फीलिंग आपके अंदर एक्टिवेट होगी. दिस वॉज स्ट्रेस एलिमिनेशन विजुअलाइजेशन. मैं अब आपसे अगली क्लास में फिर मिलूँगा नई टेक्निक के साथ. जब भी आपका मन करे इस वीडियो को चला के हेडफोन लगा के आप दिन में एक बार ये एक्सरसाइज कर लिया कीजिए और थोड़े समय बाद आपको खुद आदत हो जाएगी और आप बिना मेरी कमांड को यूज़ किए आप कर सकते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.